सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं पेपर बोट। सो आपने बड़ी बड़ी पेपर बोट देखी होंगी, नॉर्मल सी पेपर बोट देखी होंगी। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं छोटकी सी पेपर बोट। सो बनाना स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए लिया हमने छोटा सा कागज, छोटकी सी नाव के लिए छोटका सा कागज। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, और डबल फोल्ड करना पड़ेगा हमें। छोटा सा कागज़ दिखाई नहीं दे रहा है हाथों में, तो डबल फोल्ड कर लेते हैं। इसे कॉर्नर पे से फोल्ड कर लेते हैं, दोनों कॉर्नर पे से करना पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है करने में से। सो दूसरे कॉर्नर पे से कर लेते हैं। थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो रही है क्योंकि छोटा सा कागज़ है, मोड़ना पड़ रहा है। तो अब इसे नीचे से फोल्ड करना पड़ेगा। कर लेते हैं फोल्ड। छुटकी सी नाव हमारी तैयार हो रही है, तो हमारे लिए चिमटी की जरूरत पड़ रही है। चिमटी ले लेते हैं एक, और चिमटी से थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। इसे मोड़ लेते हैं, और एक बार और मोड़ना पड़ेगा इसे। तो काफी छोटी साइज की नाव बन जाएगी हमारी, पानी में जहाज चलाया करते थे बचपन में। छोटा सा बना रहा है इसलिए। और हमारी नाव बनकर तैयार हो गई है। इसे खोल लेते हैं पूरा। और हमारी नाव बनकर रेडी हो गई है। तो इसे खोलना पड़ेगा, पूरा खोलना पड़ेगा। इसे खोलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत छोटी है इसलिए। सो हमारी नाव रेडी हो गई है बनके। सो काफ़ी छोटी बनी है गाइस। सो गाइस, हमारी बोट रेडी है, छोटकी सी बोट जिसे हम मैं दिखाऊँ आपको। ये दिखाई दे रही है आपको, छोटकी सी बोट है हमारी। सो गाइस, हमें चिमटी से भी छोटी नाव बनी है ये, जो बालों वाली चिमटी होती है उससे भी छोटी। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी छोटी नाव बनी है हमारी। सो गाइस, इसे हम तैरने के लिए इंतजाम करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा डहर बनाया है ये हमने, सॉरी डहर हमारे यहाँ तालाब को कहते हैं, तो इसके लिए छोटा सा तालाब बनाया है हमने कटोरी में। भी दिखाई नहीं दे रही है ये दूर से, तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। कितनी छोटी नाव हमारी गाइस, बर्ड इज स्मॉल बोट।